हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी ट्रांसफार्मर को कैसे बनाते हैं, यानी उसके कैलकुलेशंस क्या है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नो टाइम पास, सीधे काम के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए एक ट्रांसफार्मर बनाना चाहता हूँ जिसका आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा 18 वोल्ट हो और आउटपुट में हमें 5 एम्पेयर मिले। तो ये ट्रांसफार्मर मैं यहाँ पर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, इसके कैलकुलेशंस मुझे करने हैं। तो सारे कैलकुलेशन में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों, तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है हमारा VA कैलकुलेशन, कि हमारा आउटपुट में VA क्या बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा डायग्राम निकाल देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। आप भी छोटा सा ऐसा डायग्राम निकाल लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन करते थोड़ी आसानी हो। तो हमारा वोल्टेज क्या है दोस्तों, 18 0 18, इनपुट में 220 वोल्ट हम देंगे और आउटपुट में 18 0 18 वोल्ट लेंगे, 5 एम्पेयर का आउटपुट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, हमारे दोनों एंड पे अगर मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे तो हमारा आउटपुट का टोटल वोल्टेज क्या होगा, तो 18 प्लस 18 36 वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने क्या करंट जैसे मेंशन किया कि हमें 5 एम्पेयर हमें आउटपुट में चाहिए, तो हमारा VA क्या बनेगा दोस्तों, तो सिंपली हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट इंटू वोल्टेज, तो 360 × 5 करेंगे तो 180 VA का ये ट्रांसफार्मर बनेगा। तो दोस्तों, सेकंड स्टेप में हम कोर सिलेक्शन करेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा कोर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये हमारा कोर सिलेक्शन टेबल है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जितने भी डायमेंशन देख रहे हो ABCD करके, तो यहाँ पे हमारा ए जो है, हमारा ए मेजरमेंट जो होता है वो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के लिए 3 नंबर का कोर इस्तेमाल करूँगा। तो आप जैसे देख सकते हो इसमें कि ABCD की सारी लेंथ और उसके मेजरमेंट दिए हैं, MM में भी दिए हैं और इंच में भी दिए हैं, और टाइप नंबर जो लिखा है वो दोस्तों ये हमारा कोर नंबर होता है जिसे हम कोर नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा ट्रांसफार्मर का कोर यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप का है, और ये EI टाइप के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए मैं 3 नंबर का कोर इस्तेमाल करूँगा जिसकी ए जो हाइट है, हमारी लेंथ जो होती है वो है 1 इंच 1.25 इंच, तो इसे हम 1 इंच कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो हम अभी स्टैक हाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले ये पूरा टेबल देख लीजिए कि किसी की भी कोर का नाम आप यहाँ पे देखिए और उसके सारे डायमेंशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो टेबल है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दो यार, वीडियो के भावना में बैठ के आप लाइक करना भूल जाते हो, अभी कभी लाइक कर दो। तो बढ़ते वीडियो के आगे, तो हमने 3 नंबर का कोर सिलेक्ट कर लिया दोस्तों यहाँ पे। तो 3 नंबर कोर की जो लेंथ है दोस्तों वो है हमारी 1 इंच, जो कैलकुलेशन में हम लेंगे तो उसकी 1 इंच हमें यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, बॉबिन साइज़ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जिसे हम हमारा जो सेकंड स्टेप है बॉब कोर सिलेक्शन होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है बॉबिन साइज सिलेक्शन। तो बॉबिन साइज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जैसे हमने पहले VA कैलकुलेट किया था उसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा और वही फार्मूला आपको फॉलो करना है जिससे कि आपको प्रॉपर बॉबिन साइज सिलेक्ट करने में आसानी हो। तो बॉबिन L इंटू विद मतलब स्टैक हाइट होती है हमारी। तो ये फार्मूला है दोस्तों 1.152 √VA, जो हमने पहले निकाला था वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 180 हमारा VA आया था। तो इसकी जो वैल्यू दोस्तों 15.4557 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है दोस्तों। तो इस वैल्यू को सेंटीमीटर टू इंच स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसका गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप कोने में स्क्रीनशॉट देख रहे हो, या आप इस जो ये जो वैल्यू आई है 15 वैल्यू जो आई है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसे आप डिवाइड कर दीजिए जो मैं अभी फैक्टर लिखूंगा उससे। तो ये जो फैक्टर है दोस्तों 6.452, इस फैक्टर से आप जब इसे डिवाइड कर दोगे तो हमारा जो ये मतलब सेंटीमीटर टू इंच स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है 2.39, तो इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 2.5 कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने लेंथ सिलेक्शन के टाइप पे 1.152 था, तो मैंने यहाँ पे 1 किया, तो इसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो बॉबिन साइज़ जो है हमारी, बॉबिन साइज़ का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू विथ, एल जो हमारी कोर की है और विथ मतलब स्टैक हाइट, कि हमें कितने कोर ऐसे लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारी स्टैक हाइट हो गई, और इसके हिसाब से हमें बॉबिन भी मिल जाती है दोस्तों मार्केट में, प्लास्टिक की या कोई भी मटेरियल हो उसके। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है, लेंथ इनटू विथ का फॉर्मूला है, तो हमारी वैल्यू क्या है 2.5, तो हमारी एल की वैल्यू क्या थी 1 इंच जो हमने ली। तो इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है दोस्तों फार्मूले का, 2.5 डिवाइडेड बाई
वन करेंगे तो हमारे स्टैक हाइट जो है, हमारी जो विड्थ जो है वो यहाँ पे हमारी 2.5 आ जाती। तो ये हमारा फॉर्मूलेशन है 2.5 डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती 2.5। और दोस्तों ये 2.5 जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो हमने पहले निकाला सेंटीमीटर टू इंचेस में कन्वर्ट किया वो वाला एरिया होता है, यानी एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पे हमारी बॉबिन साइज आ जाती है दोस्तों 2.5 इंच इंटू 1 इंच। तो ये हमारी बॉबिन साइज की यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है। तो अब देखते हैं हमारा तीसरा स्टेप, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि टर्न्स पर वोल्ट कितने देने पड़ेंगे, यानी टर्न्स पर वोल्ट कैलकुलेशन हम यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप है। तो देखिए दोस्तों, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा इंच स्क्वायर में क्या निकाला था अपन ने, 2.5 इंचेस इंटू वन करेंगे, 2.5 इंटू वन करेंगे तो 2.5 इंच स्क्वायर में हमारा एरिया आ जाता है। तो टर्न्स पर वोल्ट का एक फार्मूला होता है दोस्तों, जो मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया है, तो आप अपने आई बटन में देख सकते हो कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो 3, मतलब 1 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पे 3 टर्न्स देने पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये 7.5 जो है ये न्यू कोर के लिए, यानी अगर आपका कोर नया है एकदम, तो वो ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करिए। अगर ओल्ड है यानी थोड़ा सा जंग लग गया है, थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो ये 8 यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टर्न्स पर वोल्ट निकाल लिए है 3। तो इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हमें प्राइमरी वोल्टेज को भी और सेकेंडरी वोल्टेज को भी। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखता हूँ, 220 वोल्ट हम देंगे इनपुट में, और हमें आउटपुट में चाहिए 0 वोल्ट, 18 वोल्ट, और टोटल वोल्टेज क्या था दोस्तों हमारा 36 वोल्ट। तो इस सारे वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, तो हमें यहाँ पे टर्न्स निकल आएंगे कि हमें प्राइमरी के लिए कितने टर्न्स देने पड़ेंगे या सेकेंडरी के लिए हमें कितने टर्न्स देने पड़ेंगे। तो 220 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 660 टर्न्स देने पड़ेंगे हमें प्राइमरी के लिए 220 वोल्ट के लिए। और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही टर्न होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम यहाँ से टर्न स्टार्ट करेंगे तो 18 × 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 54 टर्न्स हमें देने पड़ेंगे 18 वोल्ट के लिए। और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है 108 टर्न्स। तो दोस्तों हमने इस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी को कितने टर्न्स देने पड़ेंगे वो निकाल लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 0 पे एक लूप निकालना मत भूलिएगा, तो यहाँ पे हमें 18 वोल्टेज आउटपुट में मिलेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते चौथी स्टेप की ओर, वायर साइज सिलेक्शन, मतलब कौन सी SWG की वायर हमें आउटपुट में 5 एम्पेयर देगी, और आउटपुट के हिसाब से हमारे इनपुट में कितना करंट फ्लो होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे वायर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो आई सेकेंडरी जो है हमने डिसाइड किया था 5 एम्पेयर। तो दोस्तों हमारे प्राइमरी में कितना करंट फ्लो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, आउटपुट का VA डिवाइडेड बाय इनपुट का वोल्टेज, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट्स। तो VA डिवाइडेड बाय वोल्टेज करना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे आंसर आ जाता है 0.8, मतलब 0.8 एम्पियर फ्लो होगा जब हम आउटपुट में पूरी पावर लेंगे, यानी 180 वाट पूरा लेंगे, तब हमारा प्राइमरी का जो करंट होगा वो हमारा 0.8 एम्पियर होगा। तो कुछ इस तरीके का टेबल है दोस्तों यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि SWG, MM और आउटपुट में एम्पेयर, मतलब वो वायर कितना एम्पेयर देगी। तो ये जो पूरा टेबल है दोस्तों आप एक बार पूरा देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके आउटपुट के एम्पेयर रेटिंग क्या है, आपका आउटपुट में एम्पेयर क्या है, तो ये पूरा एक बार देख लीजिए आपके हिसाब से, मतलब आपको जो भी एम्पेयर चाहिए होगा आप उसके हिसाब से वायर सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक बार पूरा देख लीजिए आप, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वायर में या इस ट्रांसफार्मर के लिए सिलेक्ट करो। तो दोस्तों ये सारे कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे कॉमन कैलकुलेशन है दोस्तों, आप इससे हज़ारों ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप पूरा टेबल देखिए एक बार, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी वायर सिलेक्ट कर सकते हो आपके आउटपुट के एम्पेयर के हिसाब से। तो और दोस्तों ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, जिसकी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट आप अपने आई बटन में देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सारी मेरी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है जिसका हमने आउटपुट का करंट और इनपुट का करंट डिसाइड किया दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी जो 16 नंबर की वायर है वो आउटपुट में हमें 5 एम्पेयर
तक देती है, तो हम ये यहाँ पे आउटपुट के लिए 16 SWG यूज़ करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 0.8 एम्पियर जो है हमें 24 SWG की वायर देती है। आप यहाँ पे 23 SWG भी यूज़ कर सकते हो ताकि हमारा ट्रांसफार्मर हीट ना करे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम SWG वायर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए यार वीडियो को, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने वायर सिलेक्ट कर लिया है, कौन से SWG की वायर हमें सिलेक्ट करनी है वो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पांचवा स्टेप जो है दोस्तों हमारा, कि ये एक्स्ट्रा का स्टेप मैंने ऐड किया है दोस्तों, पिछली वीडियोस में भी मैंने ये स्टेप बताया कि वायर की लेंथ मीटर्स में कितनी लगेगी हमें प्राइमरी वाइंड करने के लिए और सेकेंडरी वाइंड करने के लिए, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्राइमरी वायर लेंथ कितनी होगी हमारी, और दूसरी होगी हमारी सेकेंडरी वायर लेंथ, मीटर में कैलकुलेट करेंगे दोस्तों लास्ट में। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले बॉबिन की जो साइज़ है हमारी, बॉबिन साइज़ मतलब बॉबिन सर्कल लेंथ, मतलब एक टर्न देने के लिए कितना हमें वायर लगेगी इंचेस में, तो वो देखते कितना है दोस्तों। तो 2.5 मतलब एल दो बार ऐड करनी है और प्लस विथ दो बार ऐड करनी है, तो 2.5 + 2.5 + 1 + 1 तो इक्वल टू 7, मतलब एक टर्न जो होगा हमारा 7 इंचेस का होगा। तो 7 × टर्न्स कितने टर्न देंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम, तो यहाँ से हमें आंसर आ जाता है 4620 मतलब इंचेस की वायर हमें लगेगी प्राइमरी को वाइंड करने के लिए। अब देखते हैं कि सेकेंडरी को कितने लगेंगे, तो टोटल जो टर्न्स है हमारे 108 टर्न्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 इंचेस आएंगे दोस्तों यहाँ पे, इंचेस में हमारी वैल्यू आ रही है। तो इसे इंचेस में से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूँगा कि गूगल का इस्तेमाल करें, गूगल कन्वर्टर का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप कोने में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, वरना मैं आपको कैलकुलेशन वाला तो बताऊँगा ही। तो इस ये जो फैक्टर है दोस्तों इंचेस में आया हुआ, इसे डिवाइड कर देंगे 39.37 से, जो आपने आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इससे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वायर की साइज़ है, हमारी वायर की जो लेंथ है मीटर्स में आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि 117.34 मीटर्स हमें देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसे राउंड ऑफ करना है हमें, तो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। तो 756 को अगर डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से तो हमारा यहाँ पे 19.20 मीटर्स आता है, तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे प्राइमरी के लिए दोस्तों 120 मीटर देंगे, और सेकेंडरी के लिए हम यहाँ पे 20 या 21 मीटर की वायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इतनी लेंथ की हमें वायर लगेगी मीटर्स में। तो दोस्तों अब एक एक्स्ट्रा की टिप मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जैसे आपका ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से बन जाए, आप उसे असेंबल कर ले, वाइंडिंग कर ले, तो आपको कुछ इस तरीके से इसका टेस्ट सेटअप करना है जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वाइंडिंग्स की ड्राॅइंग करनी है, या आपको कुछ इस तरीके से सेटअप करना है टेस्ट सेटअप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्राइमरी में 100 वाट का या 60 वाट का 230 वोल्ट का कंडेंसेंट लैम्प कनेक्ट करना है दोस्तों, एलईडी कनेक्ट नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे, या CFL कनेक्ट नहीं करना है, कंडेंसेंट लैम्प जिसके अंदर एक छोटी सी वायर होती है टंगस्टन की, वो वाला लैम्प यहाँ पे यूज़ करना है। और कुछ इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करके आपको आउटपुट के वोल्टेजेस लेने हैं दोस्तों, चेक करने हैं। तो जैसे आपके यहाँ पे एक दो कंडीशंस होंगी, एक तो ये लाइट बंद रहेगा और एक तो ये लाइट चालू रहेगा। तो पहली जो कंडीशन है दोस्तों जिसमें हमारा जो लैंप है वो बंद रहेगा, इसका मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है सही से बना है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, और ये आप या इससे आउटपुट में सारे वोल्टेजेस ले सकते हो। मतलब लाइट बंद तो समझ लीजिएगा कि आपके सारे कैलकुलेशन बराबर, आपका कोर भी सही है, सब कुछ सही है। अगर लाइट ग्लो होता है दोस्तों तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, हमारा जो कोर है ख़राब है। तो कुछ इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये सेफ्टी फीचर है, ये आपको करना ही करना है। और जैसे हमारा लाइट बंद होता है तो आप पूरे वोल्टेजेस आउटपुट में मेज़र करिए, सारे वोल्टेजेस आपको मिलेंगे। और दोस्तों कुछ इस तरीके से आप किसी भी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये सारे कैलकुलेशन है दोस्तों जो मैंने कॉमन बताए, और आप अपने आउटपुट के मतलब आपके हिसाब से सारे कैलकुलेशन करके अपना खुद का डिज़ाइन बना सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, आपकी क्वेरी या कुछ तो भी आपका दिमाग में कुछ हो डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।